लेकिन उनका विधानसभा सीट कहाँ था? बोछा, बोछा, रमई राम साहब का। बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा। मोदी नगर और नीतीश नगर, जाहिर सी बात है ये सरकार जब दोनों की थी तभी ये फैसला हुआ होगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यहाँ ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कहा? अरुणाचल प्रदेश के उपचुनाव में जनता दल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार के सारण जिले के सबीता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर सड़क से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई। बहुत ही बेहतरीन है ये। उमलिंगला पर पहली महिला सबीता महतो बन गई है साइकिलिस्ट। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखने का निर्णय लिया है। रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बाबा बडोस बरनाथ रेलवे स्टेशन, बाबा बडोस बरनाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर वनमंडल के मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था, लेकिन अब वह बरडोस पर, बाबा बरडोस पर नाथ के नाम पर हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया। रेणु पासवान को यह दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए। इसमें सासाराम रोहतास में नवाडी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक शामिल है। ध्यान रहे, सासाराम और रोहतास के नवाडी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक है। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं, ये याद रखेंगे आप। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले, इनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। बहुत बेहतरीन है, भिखारियों का बैंक। भिखारी भीख में मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। कहाँ पे? बड़ा अनोखा बैंक है बिहार में, मुजफ्फरपुर में भिखारियों का बैंक है। एनएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। कहाँ? एनएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में। एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति पी सुरेश कांत वर्मा बने। भागलपुर के अभिषेक शानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। किसने किया? भागलपुर के अभिषेक शानू ने एशिया कप में कमेंट्री की। ये पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज दिया। बिहार के जमुई जिले के रहने वाली 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है।
CIMP के इनक्यूबेशन फाउंडेशन से इनक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपना 7 साल के शोध के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। बिहार के जमुई के बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है।